Hello everyone and welcome back to Dreamwheels India. In the past couple of years, we have seen ever since Jeep has launched its product, be it Compass or Wrangler, they have gained a lot of popularity in Indian market. And उसी को देखते हुए Jeep जो है वो अब अपना latest product जो है Jeep Meridian जो है वो Indian market में launch करने वाला है. Talking about Jeep Meridian, ये आपको similar लगेगा Jeep Commander से. In fact, जो changes है वो बहुत ही ज़्यादा minimalistic आपको देखने को मिलेंगे. And Jeep Commander की अगर मैं बात करूँ, this is not a new product. International market में Jeep Commander जो है वो already आपको Brazilian market में देखने को मिल जाएगा. Talking about Jeep Commander और Jeep Meridian, इस कार की अगर मैं dimensions की बात करूँ तो this is not similar to Jeep Compass. In fact, ये जो compete करता है ये proper आपके जो SUV segment है, जहाँ पर आपके Fortuner आती है या XUV 700 आ जाती है या फिर Endeavor जिस segment में आती थी उसी segment में ये compete करेगी. अगर मैं Meridian की बात करूँ तो the length of Meridian will be longer than the Compass by 350 mm. एंड इसकी विड्थ की भी अगर मैं बात करूं तो ये आपको 40 mm ज़्यादा वाइड देखने को मिलेगी. टॉकिंग अबाउट द हाइट, जो जीप मेरिडियन की हाइट है दैट वुड बी समवेयर अराउंड 1700 mm. और एसयूवी सेगमेंट में बस यही एक चीज़ हमने देखा है कि जीप जो है वो अपनी हाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करते. उनकी जो हाइट है वो कंपेरेटिवली थोड़ी लो रहती है. बिकॉज इफ यू सी एक्सयूवी 700 तो उसकी भी 1755 आपको देखने को मिलेगी एंड फॉर्चुनर जो है वो तो आपके 1800 प्लस होती है. बट एनीवेज इसकी वजह से अगर इसकी इस कार की हाइट अगर लो भी है यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि इसकी राइड क्वालिटी और जो आपकी स्टेबिलिटी होती है दैट इज़ ऑलवेज बेटर. जीप इज़ अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स वेरी गुड ड्राइवेबिलिटी बी इट ऑन रोड और ऑफ रोड एक्सपीरियंस. उसके बाद अगर इसके पावर स्पेक्स की बात करी जाए तो जीप मेरिडियन विल बी अवेलेबल इन टू इंजन ऑप्शंस. ये आपको दो पेट्रोल टर्बो ऑप्शन में भी देखने को मिलेगी और आपको इसका डीजल वेरिएंट भी हमारे को देखने को मिलेगा. डीजल इंजन की अगर बात करी जाए तो डीजल इंजन में हमारे को 2 लीटर मल्टीजेट डीजल इंजन देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमारे पास मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों के ही ऑप्शंस रहने वाले हैं. इसमें हमारे को 4x4 का ऑप्शन भी रहेगा. सो वी विल हैव 2-wheel drive एज वेल एज ऑल व्हील ड्राइव इन दिस पर्टिकुलर कार. Talking about the power specs, the diesel engine is expected to offer a power of 170 bhp along with 380 Nm of torque, whereas the petrol is expected to come with 185 bhp of power with 270 Nm of torque. एंड ड्राइविंग मोड्स भी इस कार में हमारे को देखने को मिलेंगे. वी विल हैव सैंड एंड मड मोड अलॉन्ग विथ स्नो एंड ऑटो मोड. सबसे अच्छी बात इस कार की है कि द ग्राउंड क्लियरेंस इज 214 mm. दिस कार इज गुड फॉर ऑफ रोडिंग एज वेल, बट इट डजेंट मीन दैट इट इज़ नॉट फीचर रिच. इस कार में आपको फीचर्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. सबसे पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं तो जो आपका एक ट्रेडिशनल जीप डिज़ाइन होता है द ग्रिल इज समवॉट सिमिलर टू द कंपस एंड आपको जो डिज़ाइन एलिमेंट्स जो आपको स्लीक हेडलाइट्स शुरुआत से जीप में देखने को मिलती हैं विच लुक्स वेरी गुड एंड क्लासी, वही सेम एलिमेंट्स आपके यूज़ होने वाले. आपके रेक्टेंगुलर फुल LED हेडलैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे और इसके बाद इंटीरियर्स में भी आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक डिज़ाइन है. इनका फ्लोटिंग इन्फोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है. द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर लुक्स रियली क्लासी एंड दिस इज़ अ कम्प्लीट डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ 10.25 inches. सो ओवरऑल आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे को फीचर्स बहुत अच्छे हैं. इसमें हमारे को डुअल AC का ऑप्शन भी देखने को मिलेगा. अपार्ट फ्रॉम दैट जो फ्रंट सीट्स है वो हमारी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं एंड जो भी जीप कंपस के संग हमारे को ऑप्शंस मिलते थे वो सिमिलर ऑप्शंस हमारे को मिलेंगे जीप मेरिडियन के अंदर. इसमें आपको हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल अलॉन्ग विद ट्रैक्शन कंट्रोल एंड 4-wheel drive एंड डिफरेंशियल लॉक हमारे को देखने को मिलेगा. Panoramic sunroof is expected along with 360 degrees camera. Apart from that, we will have some of the ADAS function as well, जिसमें हमारे पास adaptive cruise control भी होगा, हमारे पास lane change assist and automatic braking जैसे functions होंगे. एंड सेफ्टी वाइज अगर हम बात करें तो फिर सेफ्टी तो जीप की ऑलरेडी इट्स लाइक टॉप नॉच. इसमें हमारे को 7 airbags भी एक्सपेक्टेड है अलॉन्ग विथ ब्लाइंड स्पॉट असिस्टेंस. टॉकिंग अबाउट द कन्वीनियंस फीचर, इसमें एक हमारे को बहुत ही अच्छा वन टच बूट ओपनर देखने को मिलता है. सो इट्स एन इलेक्ट्रिक बूट ओपनर, यू जस्ट नीड टू प्रेस दिस बटन एंड योर बूट विल ओपन. इसके अलावा अगर टायर साइज की मैं बात करूँ तो कमांडर में तो हमारे को हाई प्रोफाइल टायर्स देखने को मिलते थे जो कि R18 और R19 के हैं, बट इंडिया में विच इज़ एक्सपेक्टेड इज R18 की. ये अपनी कार को R17 या R18 में ही लॉन्च करेंगे. जो फोटो में हम देख रहे हैं वो R17 245x45 प्रोफाइल का टायर है.
जीप कमांडर वॉज इंडिजिनियसली प्रोड्यूस्ड इन ब्राजील, बट अगर मैं जीप मेरिडियन की बात करूं तो ये जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करी जाएगी, और जो प्राइस ब्रैकेट इसका एक्सपेक्टेड है दैट वुड बी समवेयर अराउंड 30-35 lakhs एक्स शोरूम. So this means that this will be competing in the segment of Fortuner, and Fortuner ke hi segment mein compete karegi because this is not a 5-seater SUV, this is a proper 7-seater SUV. And iski seats ki bhi agar hum baat kare to jitni abhi humne leak images dekhi ya videos dekhe usme bahut hi premium tan leather seats ka inhone use kara hai, and sari hi cheeze agar hum interiors ki baat kare everything quality wise looks very upmarket and plush. So we have very high hopes from Jeep Meridian that very soon it will be launched in the Indian market, and जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे जो इंडियन मार्केट में कार्स हैं उनकी क्वालिटी और उनके जो फीचर्स हैं वो एडवांस होते जा रहे हैं, इसमें भी हम आगे की तरफ एक रेडार को स्पॉट कर सकते हैं जो कि आपकी फ्रंट ग्रिल के नीचे लगा हुआ है. एंड इन सारी चीज़ों के संग आई होप दैट ये जो कार है ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा इंडियन कार बायर्स के लिए. Thank you for watching this video. If you have found this video informative, then do subscribe to our channel and give your valuable feedback whether you found this video interesting or not.